आज हम लोग सीखेंगे बनाना चूड़ा नमकीन। तो चलिए देखते हैं कितना टेस्टी और यम्मी लगता है और इसे कैसे बनाते हैं। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स करके बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। एक बार ट्राई करिएगा, 100% आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का रेसिपी क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इसे महीनों तक खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं प्रियंका, प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को दिल से शुक्रिया अदा मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देके मेरा वीडियो देखने के लिए। क्योंकि आज हम लोग जो नमकीन का रेसिपी सीखने वाले हैं ना, वो नमकीन को आप स्टोर करके महीनों खा सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, वो इतना टेस्टी है और बनाना बहुत ही आसान है। पहले आपको नीचे कढ़ाई में रख लेना है किसी फ्लेवर का तेल, जैसे रिफाइंड या अदर कोई फ्लेवर में आप अगर कोई कुकिंग करते हैं तो वो ले सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे चूड़ा, मीडियम वाला जो चूड़ा होता है उसे ही आपको डालना है। और इस तरह से छन्नी में इसको अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है, जब तक ले इसमें से आवाज ना आने लगे, ऐसा ना लगे कि बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, क्रंची हो गया है। इसी तरह से हम सारे चूड़े को पहले फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के। 2 से 3 बार में इसे अच्छे से फ्राई हो जाता है। और ये देखिए चूड़ा जो है, पहले से जब इसे हम डालते हैं तो बहुत ही छोटे साइज में होता है और जब ये फ्राई होता है तो इसका साइज जो है बड़ा हो जाता है। उसके बाद सारा चूड़ा को फ्राई करने के बाद हम मूंगफली लेंगे, मूंगफली को भी रोस्ट कर लेंगे। आप इसमें अपने मन पसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो आप ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं आप इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जितना हम डाल रहे हैं उतना ही डालिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा सके। और हमारा मूंगफली जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया, अब उसे भी निकाल के साइड में रख लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे किशमिश, किशमिश को भी हल्का सा इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही किशमिश तेल में जाता है ये फूल के डबल हो जाता है, और जैसे ही इसे फिर हम वापस निकालेंगे ना तो ये सिकुड़ के कम हो जाता है। तक आप जो ड्राई फ्रूट है वो कम ज्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। और ये जो नमकीन है एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। इसके बाद हम लेंगे बड़ा वाला बादाम, बादाम को भी इसी तरह से भून लेंगे। हम बादाम को कट उट नहीं किए हैं, बस इसी तरह से ले लिए हैं। आप चाहे तो बादाम को कट भी कर सकते हैं। इसके बाद लेंगे काजू, और काजू को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और इस तरह से जो है सारे नमकीन का जो बनाना भी बहुत ही आसान हो जाता है, फ्राई भी करना आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना जल्दी हमारा झटपट ये नमकीन बनके रेडी होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में ये बनता है। और अगर आप सुबह के टाइम आपको ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का खाने का मन करता है तो आप चाय और ये जो है चूड़ा जो नमकीन बना रहे हैं ना चूड़ा, वो खा सकते हैं। उसके बाद हम करी पत्ता लेंगे, करी पत्ता को भी अच्छे से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि जब करी पत्ता बिल्कुल अच्छे से क्रंची हो जाएगा ना, तो क्रंची होने के बाद इसे आप जब खाइएगा ना तो बिल्कुल भी तीखा नहीं लगता है। उसके बाद चूड़ा लेंगे, और चूड़ा में सारा जो हम बना अपना रखे मसाला ड्राई फ्रूट सब कुछ इसमें मिक्स करेंगे। और इस तरह से आप चूड़ा बना के स्टोर करके रखिएगा, जब चाहे तब बच्चों को छोटे मोटे भूख में दे सकते हैं। शाम के टाइम अगर आपको छोटा मोटा भूख लगता है तो आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। आपको बाहर से नमकीन खरीदने से अच्छा आप घर पे बनाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम मसाला बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे खट्टा मीठा मसाला, जो खट्टा मीठा नमकीन आता है ना उसी तरह से खट्टा और मीठा मसाला बनाएंगे। इसके लिए लेंगे एक कटोरी, कटोरी में डालेंगे पहले पिसा हुआ चीनी का पाउडर यानी शुगर पाउडर, आप 3 से 4 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। उसके बाद डालेंगे नमक, नमक डालने के बाद डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर और काला नमक। आपको सफेद नमक, काला नमक, शुगर का पाउडर और हल्दी पाउडर डालना है। इसके बाद डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर, ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो कम लाल मिर्च का पाउडर डालिएगा, और कम खाना चाहते हैं तो कम ही डालिएगा, और ज्यादा खाना चाहते हैं तो ज्यादा डालिएगा। उसके बाद डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च हल्का सा कलर के लिए, और चाट मसाला डाल के सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया मसाला खट्टा मीठा, जो हम चूड़ा का नमकीन बना के रखे ना उसमें डालेंगे। उसके बाद देखिएगा कि जो उसका फ्लेवर है ना वो कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना टेस्टी नमकीन बनता है ना कि एक बार ट्राई करिएगा, यकीन मानिए 100% आप बार बार बना के खाइएगा। और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसे बनाने में भी बहुत ही कम मेहनत लगने वाला है। और ये देखिए सारा मसाला मिक्स करने के बाद हमारा जो है नमकीन बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। देखने में कितना प्यारा सा कलर है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रहा है। तो आइए आप सब भी इस नमकीन का लाभ उठाइए और बहुत ही टेस्टी ये नमकीन बनाए, एक बार ट्राई जरूर करिएगा मेरे कहने पे। और ये नमकीन का रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, प्यार और सपोर्ट दीजिएगा अपना। और नेक्स्ट आपको कौन सा रेसिपी सीखना है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और था ना बिल्कुल आसान बनाना, और देख सकते हैं कितना टेस्टी बना हुआ है, और खाने में तो इतना टेस्टी है कि आप एक बार अगर खाते हैं तो आपके मुंह का लत लग जाता है। बार बार इसी तरह से आप नमकीन बनाना पसंद करिएगा। अदर और भी कोई नमकीन का रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।